हेलो, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष यादव। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमल्सन के बारे में। उसमें मेजर कैटेगरी रहेगी क्रीम एंड लोशन। सबसे पहले क्वेश्चन यह था, एमल्सन होता क्या है? तो अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एन इमल्सन इज ए स्टेबलाइज मिक्सर ऑफ टू और मोर इमल्सिबल लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऑयल एंड वाटर कैन बी मिक्स्ड टू ए होमोजेनस एंड स्टेबल सॉल्यूशन कॉल्ड इमल्सन। एवरीडे एग्जांपल ऑफ इमल्सन आर बटर, मिल्क विच ऑल कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड वाटर। देर आर टू कंडीशन नेसेसरी टू क्रिएट इमल्सन। फर्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, सेकेंड इज इमल्सीफायर। यदि अपन सिंपल भाषा में बात करना चाहे तो इमल्सन क्या होता है? यदि अपन ऑयल एंड वाटर दोनों को अपन मिक्स करने की कोशिश करते हैं तो वो दोनों मिक्स नहीं होते। ऑयल को यदि वाटर में डालते हैं या वाटर को ऑयल में डालते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपन सेक करके छोड़ते हैं या होमोजेनाइज करते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो मिक्स होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ही वो आपस से अनस्टेबल हो जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो यदि इन दोनों ऑयल एंड वाटर दोनों को यदि अपन स्टेबलाइज मिक्सर बना दें, दोनों को यदि स्टेबलाइज मिक्सर बना दें तो उसको अपन इमल्सन बोलेंगे। और इस दोनों ऑयल एंड वाटर को स्टेबलाइज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला होता है मैकेनिकल फोर्स, मतलब मैकेनिकल फोर्स अपन किसी भी टाइप का होमोजेनाइजर या ब्लेंडर यूज कर सकते हैं। और दूसरा केमिकल होता है या इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं इमल्सीफायर। तो इमल्सीफायर वो होता है जो ऑयल एंड वाटर दोनों फेज को बांध कर रखने की क्षमता रखता हो। अब फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिकल फोर्स के लिए। जैसे सिंपल सी बात है कि ऑयल एंड वाटर अपन दोनों को एक बीकर में डालते हैं। डालने के बाद में अपन कोई मैकेनिकल फोर्स होमोजेनाइजर द्वारा एक मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो ऑयल एंड वाटर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। थोड़ा और देर तक चलाते हैं तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। तो हाई स्टीरिंग बाय होमोजेनाइजर द ऑयल एंड वाटर फेज आर ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स एंड लेटर स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ए मिक्सर। हाउएवर, मिक्सिंग इवन एट वेरी हाई शियर रेट्स विच लीड्स टू ए स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज नॉट एनफ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। For example, oil and water can be turned into an emulsion simply by stirring, but the mixer will separate rapidly without the use of emulsifier. Homogenizer से छोटे छोटे fragments में divide तो हो जाएगा, but यदि emulsifier use नहीं करेंगे तो वो बहुत देर तक stable नहीं हो पाएगा, वापस से separate हो जाएगा। इसलिए emulsifier का emulsion बनाने के लिए बहुत बड़ा important role होता है। तो इमल्सीफायर का जैसे मैंने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वाटर एंड ऑयल दोनों फेज को बांध कर रखने की, इसलिए इमल्सीफायर की जो यदि स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं तो इसमें एक हेड और एक टेल होता है। हेड को अपन हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं और टेल को अपन लिपोफिलिक पार्ट बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक पार्ट पोलर हेड ग्रुप लविंग टू वाटर, लिपोफिलिक पार्ट नॉन पोलर एंड लविंग टू ऑयल। एन इमल्सीफायर इज ए स्पेशल सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड ऑयल सोल्यूबल लिपोफिलिक पार्ट। द लिपोफिलिक पार्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ लार्ज फैटी एसिड चेन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल ऑयल्स। व्हेन एन इमल्सीफायर इज एडेड टू ए मिक्सर ऑफ वाटर एंड ऑयल, द इमल्सीफायर इज अरेंज्ड ऑन द इंटरफेस एंड कैरिंग इट्स हाइड्रोफिलिक पार्ट इंटू वाटर एंड इट्स लिपोफिलिक पार्ट इंटू ऑयल। अब सिंपल सी ये दो चीज़ें मैंने बताई थी, कोई भी इमल्सन बनाने के लिए एक मैकेनिकल फोर्स का था, सेकंड इमल्सीफायर, ये दो मस्ट अपन को ज़रूरत पड़ती है। अब यदि ब्रीफली उसको और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं तो अभी तक अपन ने चार पार्ट का डिस्कशन किया कि पहले ऑयल होता है, वाटर होता है, मैकेनिकल फोर्स लगता है और इमल्सीफायर का यूज़ होता है। तो चार चीज़ें इसमें नेसेसरी होगी। बट और अच्छा इमल्सन बनाने के लिए बहुत सारे एक्सीपिएंट्स अपन यूज़ करते हैं जिससे वो ज़्यादा अच्छा लगता है या ज़्यादा मोर स्टेबल होता है। इसके लिए यदि अपन मेजर कैटेगरीज की बात की जाती है इमल्सन बनाने के लिए तो डिस्टिल वाटर होता है, किसी भी टाइप के बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट अपन यूज़ करना है या किसी भी आयुर्वेदिक क्वाथ को यूज़ करना है तो अपन डिस्टिल वाटर में के उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है इमल्सीफायर, जो पहले डिस्कशन किया है वो इमल्सीफायर यूज़ करते हैं जिसमें एग्जाम्पल होते हैं पॉलीसॉर्बेट्स। इसके अलावा जो ऑयल की बात कर रहे थे उसकी मेजर कैटेगरी होती है इमोलियंट्स। इमोलियंट्स को अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें मोस्टली प्लांट ऑयल्स और नेचुरल बटर्स वैक्सेस सभी इसी इमोलियंट्स में आते हैं। थिकनर्स में नेचुरल वैक्सेस होता है, स्टीरियल पालमिटेट होता है,
इसके अलावा सर्फेक्टेंट, एल्काइल सल्फोनेट, कोकोबिनेट होता है। सर्फेक्टेंट ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं जिसमें अपन क्लिंजिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज डेट कि कोई भी शैम्पू अपन बना रहे हैं तो वहाँ पर सर्फेक्टेंट का रोल है। यदि हैंड वॉश बना रहे हैं तो वहाँ भी सर्फेक्टेंट यूज़ करेंगे। किसी फेस वॉश के लिए मान सकते हैं, शावर जेल के लिए मान सकते हैं, उन सब में अपना सर्फेक्टेंट का रोल होता है। इसके अलावा यदि फॉर्मुलेशन अपना पूरा बन गया तो फिर उसके बाद में स्टेबलाइजर का भी, यदि उसको और मोर ज़्यादा स्टेबल चाहिए तो EDTA का यूज़ करते हैं। ह्यूमेक्टेंट के लिए जैसे ग्लिसरीन या प्लांट ऑयल्स यूज़ करते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एजेंट के लिए ट्राइथाइलामीन TEA का यूज़ होता है। सनस्क्रीन प्रोडक्ट, यदि किसी टाइप की सनस्क्रीन क्रीम बना रहे हैं या लोशन बना रहे हैं तो इसके लिए सनस्क्रीन एजेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा पिगमेंट्स, जैसे किसी टाइप के अपने लिपस्टिक बना रहे हैं या नेल पॉलिश बना रहे हैं जिसमें कलर का रोल होता है, तो उसके लिए पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें DNC रेड्स, आयरन ऑक्साइड, मिकाज टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें BHT का यूज़ होता है। फ्रेग्रेंस में किसी भी टाइप की नेचुरल फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस हमेशा उसी प्रोडक्ट के एक्टिव इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है। सपोज डेट कि जैसे अपन ने एलोवेरा जेल बना रहे हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि फ्रेग्रेंस एलोवेरा की रहे। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव, उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा दिन तक अपन स्टेबल चाहते हैं या बहुत ज़्यादा तक उसकी स्टेबिलिटी रहे तो अपन प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। और प्रिजर्वेटिव में कॉमनली बहुत पहले पैराबिन्स यूज़ किए जाते थे, आजकल बेंजाइल अल्कोहल DHA और भी बहुत सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव भी आ गए जो अपन यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्सन, इसमें मेजर टू टाइप्स के इमल्सन होते हैं, बट रिसेंटली वन कैटेगरी और डेवलप की गई है। फर्स्ट टाइप होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, सेकेंड वाटर इन ऑयल इमल्सन और थर्ड वाटर इन सिलिकन इमल्सन। उसके बाद यदि जो इमल्सन है ना, वो जैसे मैंने बताया था शुरुआत में कि आपके पास इसमें ऑयल होता है, वाटर होता है, इमल्सीफायर होता है, मैकेनिकल फोर्स होते हैं, चार मेजर कैटेगरी होती है। तो जो इमल्सीफायर है उसमें का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान होता है। और इमल्सीफायर कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कितना क्वान्टिटी में यूज़ करना है, तो वो सारा HLB सिस्टम होता है, या इसको कह सकते हैं HLB वैल्यू, HLB स्केल, अलग अलग इसके वर्ड्स होते हैं। ये इमल्सीफायर को डिसाइड करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है HLB स्केल का। तो टू हेल्प सेव टाइम इन सिलेक्शन द राइट इमल्सीफायर फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन, ए सिस्टमेटिक स्कीम करेक्टराइजिंग इमल्सीफायर हैज बीन इंट्रोड्यूस। इट्स इज कॉल्ड द HLB सिस्टम, स्टैंडिंग फॉर हाइड्रोफिली लिपोफिलिक बैलेंस। सिंपल सी बात है, जैसे अपन कैटेगरीज किया था ऑयल इन वाटर इमल्सन, यदि उसमें वाटर की, ऑयल इन वाटर इमल्सन में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो सिंपल सी बात है, जो अपन इमल्सीफायर ले रहे हैं तो वाटर को ज़्यादा बांधने की क्षमता रखने वाला इमल्सीफायर यूज़ करेंगे। तो वो डिपेंड करता है, मतलब जो स्केल बनी हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, इमल्सीफायर की HLB वैल्यू कितनी है, उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टी का पता लगता है। तो अपन थोड़ा सा ब्रीफली आगे देखते हैं कि किस आधार पर इसको करेक्टराइज किया गया है। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं, एंड इमल्सीफायर इज दैट लिपोफिलिक ऑयल लविंग इज असाइंड ए लो HLB नंबर। लो HLB नंबर का मतलब है, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 20 तक इसकी HLB वैल्यू है, तो 0 से लेके यदि 10 या 0 से लेके 9 के बीच में यदि अपन देखते हैं तो वो जितने भी इमल्सीफायर होंगे वो ऑयल लविंग होंगे, इसको लिपोफिलिक प्रॉपर्टी उनकी ज़्यादा होगी। और 11 से लेके 20 तक यदि बात करते हैं तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोफिलिक होगी, मतलब वो लविंग टू वाटर वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा रखेंगे। तो यदि अपन सिलेक्शन करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर जितने भी होते हैं, या ऑयल इन वाटर इमल्सन यदि जब भी बनाने की बात करेंगे, तो उसमें जो इमल्सीफायर की HLB वैल्यू रहेगी वो 11 से लेके 20 के बीच में आएगी। और यदि वाटर इन ऑयल इमल्सन रहेगा उसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें जो HLB की वैल्यू रहती है वो 0 से लेके 9 के बीच में रहेगी। तो यही कह रहा है, एन इमल्सीफायर दैट इज लिपोफिलिक ऑयल लविंग इज असाइंड ए लो HLB नंबर 1 से लेके 9, एंड वन दैट इज हाइड्रोफिलिक हैज ए हाई HLB नंबर 11 से लेके 20, दोज इन द रेंज ऑफ 9 to 11 आर इंटरमीडिएट। सिंपल सा जैसे हेड एंड टेल बताया गया था, तो 0-1 से लेके 9 तक जो इमल्सीफायर है वो लिपोफिलिक डोमिनेट हो गए, तो उसकी टेल की लंबाई ज़्यादा होगी और हेड की लंबाई चौड़ाई कम होगी। ऐसे यदि HLB 11 से लेके 20 इमल्सीफायर की बात करते हैं तो इसमें डोमिनेट हाइड्रोफिलिक जो अपना हेड है वो बड़ा रहेगा या डोमिनेट रहेगा उसमें, क्योंकि वो लविंग टू वाटर वाले कैटेगरीज ज़्यादा है। द HLB ऑफ एन इमल्सीफायर इज रिलेटेड टू इट्स सोलिबिलिटी, थस एन इमल्सीफायर विथ लो HLB टेंस टू बी ऑयल सोलिबल, वन विथ ए हाई HLB टेंस टू वाटर सोलिबल। यदि लो HLB रहेगी, सिंपल सी बात है, वो ऑयल सोलिबल ज़्यादा रहेगा। यदि अपने
ऐसे कह सकते हैं कि यदि उसकी HLB वैल्यू 11 से बीच में होगी तो वाटर सोल्यूबल रहेगा। उसके बाद में एक बहुत अच्छी और चीज़ बताई गई है, यदि पूरी कैटेगराइज करते हैं तो 0 से लेकर 3 तक यदि HLB वैल्यू रहती किसी इंग्रेडिएंट की तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट माना जाएगा। HLB 4 to 6 के लिए वाटर इन ऑयल इमल्सीफायर होगा, 7 से 9 वेटिंग एजेंट रहेगा, 8 से लेकर 18 तक जो इमल्सीफायर होंगे उसकी ऑयल इन वाटर इमल्सीफायर होंगे, 13 से लेकर 15 के बीच में डिटर्जेंट होंगे या क्लिनजिंग एजेंट होंगे, और 10 से लेकर 18 तक के बीच में सोल्यूबलाइजर या डिजोल ऑयल इन वाटर होंगे। अब जैसे पूरा फॉर्मूला आपने डेवलप किया और पूरा फॉर्मूला डेवलप करने के बाद में यदि अपन उसकी ग्रैंड HLB वैल्यू निकालते हैं, टोटल HLB वैल्यू निकालते हैं और उसकी HLB वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है तो वो वहाँ अपन कह सकते हैं वो वहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का इमल्सन नहीं बनेगा। यदि 3 से 6 के बीच में आ रही है तो पुअर इमल्सन बनेगा, 6 से 8 के बीच में आ रही है तो मिल्की इमल्सन आफ्टर विग्रेस एजिटेशन होगा, और स्टेबल मिल्की इमल्सन यदि बनाना है तो अपन को उसकी HLB वैल्यू 8 से 10 के बीच में लानी होगी। ट्रांसल्यूसेंट टू क्लियर इमल्सन बनाना है तो 10 से 13 के बीच में होगी, और भी ज़्यादा क्लियर इमल्सन बनाना है तो 13 प्लस उसकी HLB वैल्यू होनी चाहिए। सपोज वी वांट टू मेक ए लोशन दैट इज एन ऑयल फेज, मतलब आपकी अपन किसी टाइप का लोशन बनाना चाहते हैं जिसका ऑयल फेज ज़्यादा रहेगा, मतलब वाटर इन ऑयल, तो सिंपल से अपन कह सकते हैं कि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है एंड इट्स रिक्वायर्ड HLB 9। This is mean that we'll need an emulsifier or emulsifier blend that will have a HLB 9. Experiment have shown that you will get better stability with blend of high HLB and low HLB emulsifier versus a single emulsifier. बहुत बार अपन जब फॉर्मूला डेवलप करते हैं, जैसे किसी टाइप का लोशन बनाना है अपन को, उसका फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं तो अपन सिंगल इमल्सीफायर की जगह मल्टीपल इमल्सीफायर यूज करते हैं, एक इमल्सीफायर ना लेके 3-4 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट से अपन को ये पता लगता है कि उसकी बैटरी स्टेबिलिटी है जहाँ ब्लेंड बनाते हैं, मतलब 3-4 इमल्सीफायर को मिला के यदि किसी टाइप का ब्लेंड अपन बना रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी सिंगल इमल्सीफायर से ज़्यादा होती है। क्योंकि यदि सपोज दैट कि किसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊं, जैसे किसी की HLB वैल्यू 3.8 है और एक सिटारेट 20 जिसकी HLB वैल्यू 20 है, उन दोनों को अपन मिलाते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन निकलेगा उसकी HLB की वैल्यू आएगी 9 के आसपास, तो वो ज़्यादा बेटर स्टेबल माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के आगे देखते हैं HLB ब्लेंड कैसे बनाते हैं, तो HLB ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको यदि आप थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको कॉस्मेटिक का बहुत बहुत बड़ा आपको खजाना समझ में आ जाएगा। HLB ब्लेंड मतलब किसी भी टाइप का इमल्सीफायर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए HLB ब्लेंड यदि एक से ज़्यादा अपन इमल्सीफायर यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसकी HLB ब्लेंड की वैल्यू निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ HLB मतलब कितना परसेंटेज आप HLB यूज़ कर रहे हो और उसकी HLB वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरा जो HLB वैल्यू वाला इमल्सीफायर ले रहे हैं उसकी परसेंटेज कितनी है और उसके HLB वैल्यू कितनी है वो डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल स्टेरॉइड लो HLB है और सिटारेट 20 हाई HLB है। नाउ डिजाइन और फॉर्मूला फॉर स्टेबल मिल्की इमल्सन, अपन को स्टेबल मिल्की इमल्सन बनाना है तो रिक्वायर्ड HLB रेंज 8 to 10। सपोज डेट कि अपन पूरा 100% यदि दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं तो 55% अपन ग्लिसरॉल स्टेरॉइड ले रहे हैं और 45% सिटारेट 20 ले रहे हैं, तो परसेंटेज के 55 × 3.5 ये ग्लिसरॉल स्टेरॉइड का जो HLB वैल्यू है 3.58 होता है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 45 × 15.2 डिवाइडेड बाय 100। यदि इसका पूरा कैलकुलेशन निकालते हैं तो इसका पूरी HLB वैल्यू आती है 8.93 HLB वैल्यू ऑफ ब्लेंड। अभी तक अपन ने सारा ये देखा कि इमल्सन क्या होता है और एक बेसिक इमल्सन बनाने के लिए क्या मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद इमल्सीफायर हो गया और मैकेनिकल फोर्स हो गया, ये बेसिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ फिर अपन ने ये भी पता किया कि उसको और बेटर बनाने के लिए बहुत सारे एक्सीपिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से एक्सीपिएंट्स का अपन यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में अपन थोड़ा सा डिस्कशन किया। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो इमल्सीफायर यूज़ कर रहे हैं उस इमल्सीफायर किस पे डिपेंड करता है, जिसमें मैंने बताया HLB वैल्यू, HLB ब्लेंड किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, उसके बारे में अपने ब्रीफली डिस्कशन किया। और उसके बाद में आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इमल्सन, जैसे अपने 3 टाइप्स के इमल्सन थे, ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन, और थर्ड ये होता है वाटर इन सिलिकन इमल्सन। तो अभी इन दोनों का यदि कंपेरिजन करते हैं ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन, तो अपन के कह सकते हैं कंटेन मोर वाटर देन ऑयल, कंटेन मोर ऑयल देन वाटर, आर लाइट, लेस ग्रीसी एंड इजिली एब्जॉर्ब्ड।
टेंड टू बी ग्रीसी एंड आर नॉट एब्जॉर्ब वेरी वेल बट प्रोवाइड एक्सेलेंट मॉइस्चर एंड स्किन प्रोटेक्शन, आर मेड विथ इमल्सीफायर विथ ए हाई एच एल वी जिसकी वैल्यू होती है 8 से 10 के बीच में, आर मेड विथ हाई विथ इमल्सीफायर विथ लो एच एल वी 4 to 6, आर आइडियल टू डिजोल्व वाटर और सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट और पाथ एंड कैन बी डाइल्यूटेड फर्दर विथ वाटर, आर आइडियल टू डिजोल्व ऑयल सोल्यूबल एक्टिव इंग्रीडियंट। ये सारा ब्रीफली अपने पहले भी डिस्कस किया था, उसी टाइप की ये सारी चीज़ें मैंने क्लासीफाइड करके यहाँ पे बताई है। उसके बाद में आता है वाटर इन सिलिकन इमल्सन, ये आज के टाइम में ये थोड़ा नोवल कैटेगरी है। तो इट मीन्स टू रिड्यूस ग्रीसीनेस ओ वाटर इन ऑयल इमल्सन, द ऑयल कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन्स। एग्जांपल, जैसे अपन किसी टाइप की सीरम सी ये सब कुछ बना रहे हैं तो उसमें एक तरीके से सिलिकॉन्स का यूज किया गया है, ऑयल्स को रिप्लेस करे सिलिकॉन द्वारा। एग्जाम्पल है जैसे डाइमेथिकॉन, साइक्लोमेथिकॉन विच आर नॉट ग्रीसी बट प्रोवाइड ए वेरी नाइस सिल्की फील ऑन द स्किन एंड हेयर। सिलिकॉन्स पॉलीमर्स हैव ड्यूल कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज ऑफ विच दे कैन आइदर बी यूज एन एज इमल्सीफायर और एक्ट एज द कंटिन्यूस और डिस्पर्स फेज ऑफ द इमल्सन इन प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स। द रिजल्टिंग वाटर इन सिलिकॉन इमल्सन आर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड लाइट इमल्सन विथ वाटर लेवल्स। इन एडिशन, मैन्युफैक्चरिंग इज ईजियर एज दे डू नॉट नीड वैक्सेस फॉर स्टेबलाइजिंग एंड समटाइम्स नॉट इवन हीटिंग। मतलब अपन कह सकते हैं वाटर इन सिलिकॉन इमल्सन सिंपल सी यदि भाषा में समझने की कोशिश करें तो अपन ने ऑयल को सिलिकॉन द्वारा रिप्लेस किया है और इसमें किसी टाइप की वैक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बेस उसका एक सिलिकॉन्स होता है और उसमें अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। कभी कभी इसमें हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हीटिंग जहाँ किसी टाइप के मेल्टिंग की जरूरत है, जहाँ वैक्सेस का यूज़ हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है, बट इसमें किसी टाइप की हीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा जो एक्टिव पार्ट सिलिकॉन्स है उसमें अपना एक्टिव पार्ट है जो भी है उसको अपन डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या कोल्ड प्रोसेस उसको बना सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसको यदि आप थोड़ा सा भी ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे तो अपन वन बाय वन सबको डिस्कशन करेंगे कैसे फेस क्रीम बना सकते हैं, कैसे हेयर शैम्पू बना सकते हैं, कैसे कंडीशनर बन सकते हैं, डिओड्रेंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बेसिक फॉर्मूला के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वी पुट टुगेदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला एंड मेथड फॉर मेकिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड कलर कॉस्मेटिक्स। द इंग्रीडियंट आर इंडिकेटेड एज फंक्शनल कैटेगरी only and the percentage reflect ranges that are typically used। मतलब अपन फंक्शनल कैटेगरी के बारे का मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज होती है और उनके कौन कौन से बेसिक एग्जाम्पल्स है, बट ऐसा नहीं कि जो बताया गया वही अपन इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी अपन उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और उसको ट्रायल एंड एरर के आधार पर डेवलप कर सकते हैं। तो वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे जैसे फेस क्रीम को कैसे बनाना है या सिंपल मेथड्स क्या होता है। तो इसमें टू टाइप्स के अपने पास इंग्रेडिएंट रहेंगे, मस्ट यूज इंग्रेडिएंट और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स। मस्ट यूज इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है कि यदि अपन किसी भी टाइप का क्रीम या किसी भी टाइप की फेस क्रीम अपन यदि बनाने का प्लान करते हैं तो इसमें चार तरीके के इंग्रेडिएंट तो अपन को मस्टली यूज़ करना ही करना होगा, तभी वो क्रीम बनेगी। और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि उसका और ज़्यादा अपीयरेंस अपन चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अपन चाहते हैं, और ज़्यादा फील उसका लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल इंग्रेडिएंट को ऐड करना होगा। तो सिंपल सी वन बाई वन को अपन डिस्कस करते हैं। डिस्टिल वाटर में अपन जितने भी किसी टाइप का आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है या किसी टाइप का एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है, बोटनिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है या किसी टाइप का क्वाथ यूज़ करना है तो वो डिस्टिल वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। तो ये 55 से 75% तक अपन इसमें लेते हैं मोस्टली। इसके बाद इमल्सीफायर का मैंने बताया था, यदि पीछे की स्टडी अपन देखते हैं आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बताया था कि जैसे एक ऑयल हो गया, एक वाटर हो गया, एक इमल्सीफायर हो गया और एक मैकेनिकल फोर्स हो गया। तो इसमें है ना इमल्सीफायर का तो सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि अपन क्रीम बना रहे हैं तो इमल्सीफायर का यूज करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें जो टेंटेटिव रेंज होती है वो 2 से 6% तक होती है और इसमें मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल है पॉलीसॉर्बेट्स, वो बहुत सारे एक बंडल ऑफ ग्रुप है, ये डिफरेंट टाइप के सॉर्बेट्स होते हैं वो अपन यूज करते हैं। इसके अलावा था इमोलियंट्स 10 से लेके 35% तक अपन इसमें यूज करते हैं और कॉमनली जो इमोलियंट्स है वो प्लांट ऑयल्स एंड नेचुरल बटर्स होते हैं। इमोलियंट्स को अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, आपको इसे समझ में आएगा कि इमोलियंट्स 3 कैटेगरीज में बना होता है, ऑयल होता है, फैट एंड बटर्स होता है एंड वैक्सेस होता है, वो सारे इमोलियंट्स का पार्ट होता है। इसके अलावा यदि जो सॉल्यूशन अपने बनाया है उसको गाढ़ा करना है थोड़ा सा, मतलब ये नॉर्मली इन तीनों चीज़ों को यदि अपन मिला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या सेमी सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है, तो उसके लिए अपन थिकनर्स यूज करते हैं जिसमें 0.1 से लेकर 2% तक होते हैं, जिसमें नेचुरल वैक्सेस, और नेचुरल वैक्सेस में ज़्यादातर अपन यदि उसकी बात करते हैं तो बीज वैक्स यूज़ करते हैं और स्टेरल, सेकेंड होता है स्टेरल पाल्मिटेट, तो वो यूज़ करते हैं।
इसके अलावा ऑप्शनल इंग्रेडिएंट का अपन यदि बात करते हैं तो एक्टिव इंग्रेडिएंट 1 से लेकर 10% तक होता है, जिसमें एंटी एजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। दूसरा इसमें फ्रेग्रेंस होती है, फ्रेग्रेंस 0.1 से लेकर 1% तक रहेगा, वो किसी भी टाइप की एनी नेचुरल फ्रेग्रेंस हो सकती है। और इसके बाद में प्रिजर्वेटिव होता है जो 0.1 से लेकर 1% तक होता है, MPS, PPS और बेंजाइल एल्कोहल कॉमन प्रोडक्ट होते हैं। जैसे किसी भी टाइप का अपन यदि क्रीम बना रहे हैं या फेस क्रीम बना रहे हैं तो उसको बनाने का मेथड से यदि मैं बात करता हूँ तो सिंपल सा होता है, इसमें दो फेज अपन को बनानी होती है, एक ऑयल फेज होती है, एक दूसरी वाटर फेज होती है। तो जितने भी कंटेंट्स अपन यूज़ कर रहे हैं, जो वाटर में यदि डिजोल्व होने वाले हैं उसको वाटर में सोल्यूबल करते हैं, और जो ऑयल में सोल्यूबल होने वाले हैं उनको ऑयल में मिक्स करते हैं। तो वाटर एंड एड थिकनर्स एंड हीटेड एट 85 to 95 degrees Celsius, ऑयल फेज दैट कंटेंट्स इमल्सीफायर एंड इमोलियंट्स विच हैव आल्सो बीन मेल्टेड एंड हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। जितने भी ज़्यादातर इमल्सीफायर अपने मार्केट में अवेलेबल है वो मोस्टली ऑयल सोल्यूबल होते हैं, तो ये ऑयल फेज में अपन को डाल के उसको वो 85 to 95 degrees Celsius में हीट करते हैं, मिक्स अंडर इंटेंसिव स्टेरिंग अंटिल इमल्सन इज फॉर्म। फिर क्या करते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन अपन बना रहे हैं, क्योंकि क्रीम का आप जो एग्जांपल बता रहे हैं उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इट मीन्स ये टाइप का यदि इमल्सन की बात करते हैं तो इसको बोलेंगे ऑयल इन वाटर इमल्सन। तो अपन क्या करेंगे, दोनों फेज को ऑयल और वाटर दोनों फेज को 85 to 95 degrees Celsius पे गर्म करके इसमें ऑयल को वाटर में धीरे धीरे मिक्स करेंगे विथ होमोजेनाइजर, होमोजेनाइजर में रख के धीरे धीरे वाटर फेज में ऑयल को मिक्स करेंगे। सेंसिटिव कंपोनेंट्स लाइक एक्टिव इंग्रेडिएंट, फ्रेग्रेंस एंड प्रिजर्वेटिव आर एडिड आफ्टर द मिक्सर हैज बीन कूल्ड। जितने भी सेंसिटिव इंग्रेडिएंट होते हैं उनको थोड़ा सा उस मिक्सर को ठंडा होने के बाद में डालते हैं, जब टेम्परेचर उस पूरे फॉर्मुलेशन का 40 से 30 डिग्री सेल्सियस के डाउन आ जाता है तब धीरे धीरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को अपन ऐड करते हैं, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, यदि उसमें किसी टाइप का एरोमेटिक नेचर है तो वो उसमें यदि हाई टेम्परेचर भी डालेंगे तो वो खरा मतलब उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव का तो 100% अपन है ना बहुत कम टेम्परेचर भी डालते हैं, यदि हाई टेम्परेचर भी डालेंगे तो उसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड अपने पास आता है सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम का यदि अपन बात करते हैं तो सिंपल सा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लिंजिंग टाइप का, तो इसमें जब क्लिंजिंग की बात करते हैं तो वहाँ सर्फेक्टेंट का यूज़ होता है, तो उसमें भी दो कैटेगरी हुई, मस्ट यूज इंग्रेडिएंट और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। तो मस्ट यूज इंग्रेडिएंट में डिजिटल वाटर रहेगा, वही अपन 50 से 70% तक वाटर मिक्स्ड विद बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। सेकंड इसमें आएगा सर्फेक्टेंट और इसको अब्लिक इमल्सीफायर, वो 5 से लेकर 20% तक यूज़ करेंगे, कोको ग्लूकोज या पॉलीसॉर्बेट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद में ह्यूमेक्टेंट्स जिसमें 2 से 10% तक यूज़ करना होता है, और वो इसमें ह्यूमेक्टेंट कॉमनली ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। इसके बाद में थिकनर्स, थिकनेस 3 से लेकर 8% तक स्टेरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इसके बाद न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जिसमें ट्राइथाइलिन यूज़ करते हैं। ऑप्शनल में अपन फिल्म फॉर्मर 1 से 2% प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। इमोलियंट्स में 2 से लेकर 5% तक प्लांट ऑयल्स एंड लेनोलिन यूज़ करते हैं। फ्रेग्रेंस 0.1 से 1% लेते हैं, प्रिजर्वेटिव 0.1 से 1% लेते हैं। मेथड इसमें वही होता है, डिजोल्व न्यूट्रलाइजिंग एजेंट इन वाटर एंड हीट टू 80 डिग्री सेल्सियस, जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट ट्राइथाइलामीन ठीक है उसको पहले अपन डिजोल्व कर देते हैं डिजिटल वाटर में। उसके बाद में हीट सर्फेक्टेंट एंड थिकनर्स, जो इसमें धीरे धीरे फिर जो सर्फेक्टेंट में और थिकनेस इन दोनों को एक जगह मिक्स कर देते हैं और उसको एक हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस में। मिक्स स्लोली विथ वाटर फेज, कीप अंडर स्लो स्टरिंग सफोनिफिकेशन ड्यूरिंग 60 मिनट, 60 मिनट के लिए धीरे धीरे उसको स्लो स्टरिंग करते हैं और फिर इसको हीट से हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है सन प्रोटेक्शन क्रीम। फिर देखो नाम से आपको पता लग रहा है सन प्रोटेक्शन क्रीम, मतलब सन से प्रोटेक्शन करने के लिए अपन क्रीम बना रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जब सन से प्रोटेक्शन अपन को करना है तो इसमें सन स्क्रीन एजेंट होना मस्ट है, तो इसके लिए सन स्क्रीन एजेंट्स का यूज़ किया गया। और सन स्क्रीन एजेंट्स क्या डायरेक्टली सोल्यूबल नहीं होता इसमें, तो इसके लिए सन स्क्रीन सॉल्वेंट्स का यूज़ करता है। तो इसमें मस्ट यूज इंग्रेडिएंट में यदि अपन देखते हैं तो डिस्टिल वाटर आता है, वही वाटर मिक्स्ड विद बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट होता है। इमल्सीफायर लेते हैं 3 से 10% तक, जो पॉलीसॉर्बेट्स है, इमोलियंट्स है 3 से 10% के प्लांट ऑयल्स यूज़ करते हैं। सनस्क्रीन 1 से लेकर 10% तक अपन यूज़ कर सकते हैं, जो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। इसके बाद सनस्क्रीन सॉल्वेंट्स है, जो 5 से लेकर 10% तक C12-15 एल्काइल बेंजोइट यूज करते हैं। थिकनेस में 0.5 से लेकर 2% एसिटाइल एल्कोहल अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल इंग्रेडिएंट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले रखने वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, जिसका 1 से 2% तक होता है BST एडलवेसिस एक्सट्रैक्ट।
ह्यूमेक्टेंट में 2 से लेके 5% तक ग्लिसरीन होता है, फ्रेग्रेंस में वही 0.1 से लेके 1% तक होता है, वो किसी टाइप की एनी नेचुरल फ्रेग्रेंस अपन यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव में 0.1 से लेके 1% तक अपन यूज़ कर सकते हैं। इसका मेथड्स है, सनस्क्रीन एंड यूवीसी फिल्टर्स हैव टू बी डिस्पर्स इन सॉल्वेंट, द एमिलियंट्स इमल्सीफायर ऑयल सोल्यूबल कंपोनेंट्स आर कंबाइंड एंड मेल्टेड एट 75 to 80 डिग्री सेल्सियस, द टू मिक्सर्स आर कंबाइंड प्रोग्रेसिवली टू फॉर्म द इमल्सन, मिक्स अंडर इंटेंसिव स्टेरिंग अंटिल इमल्सन इज फॉर्म्ड। उसके बाद में आता है नेक्स्ट लिपस्टिक। लिपस्टिक मोस्ट कॉमनली मतलब ह्यूमन्स के लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल्स इसको यूज़ करती है। उसमें भी 2 टाइप्स के इंग्रेडिएंट होता है, पहला होता है मस्ट यूज इंग्रेडिएंट, सेकंड होता है ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। तो जो मस्ट यूज इंग्रेडिएंट में है उसका बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है या कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें किसी टाइप के नेचुरल सिंथेटिक वैक्सेस यूज़ कर सकते हैं जिसका परसेंटेज होता है 20 से 55% तक। इसके अलावा इमोलियंट्स यूज़ करते हैं जिसकी परसेंटेज होती है 25 to 70% तक। इमोलियंट्स में नेचुरल और प्लांट ऑयल और मिनरल ऑयल्स का यूज़ होता है। इसके अलावा पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे अलग अलग टाइप की कलर की जो लिपस्टिक होती है वो पिगमेंट्स पर डिपेंड करती है, रेड चाहिए, डार्क ब्राउन चाहिए या डिफरेंट टाइप के सेट्स में चाहिए, तो वो पूरे पिगमेंट्स पे डिपेंड करती है जिसका परसेंटेज तो होता है 0.5 से लेके 1% तक। ये डीएनसी रेड्स होता है, आयरन ऑक्साइड एंड मिकाज यूज़ करते हैं इसमें। एंटीऑक्सीडेंट के लिए 0.1 से लेके 1% तक बीएसटी विटामिन ई और टोकोफेरल यूज़ करते हैं। ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स है, यदि अपन इसको सनस्क्रीन एजेंट्स भी यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन धूप में यदि लिपस्टिक लगा के धूप में जाते हैं तो वो उसको ख़राब कर देता है, इसलिए सनस्क्रीन एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसका 0.1 से लेकर 2% तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं ओम सिनेमेट, फ्लेवर्स में 0.1 से लेकर 1% एनी नेचुरल फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस भी किसी भी टाइप की नेचुरल फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हैं जिसका परसेंटेज 0.1 से लेकर 1% तक होता है। प्रिजर्वेटिव भी 0.1 से लेकर 1% तक अपन यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक को बनाने का सिंपल सा मेथड होता है जिसमें वैक्सेस एंड इमोलियंट्स आर मिक्सड एंड मेल्टेड अंटिल 80 डिग्री सेल्सियस, फिल इन डाई, मतलब इन दोनों जो अपना बेस इंग्रेडिएंट है, इमोलियंट्स है, पिगमेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट, सबको एक तरीके से मेल्ट करके मिक्स किया जाता है। उसके बाद में एक इस शेप के डाई एंड मोल्ड्स होते हैं उसमें उसको डाल के धीरे धीरे इसको कूल कर देता है, स्टोर इन कूल ड्राई फेलेस पैकिंग एंड डिस्पेस टू वोमन। उसके बाद में हेयर शैम्पू, हेयर शैम्पू भी अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरीज है। तो जब शैम्पू की बात की जाती है तो वो बालों को धोने के लिए यूज़ करते हैं, बालों को साफ या क्लीन करने के लिए शैम्पू का यूज़ किया जाता है, ये सब जानते हैं इस बात के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जब मैंने बताया था कि जब भी क्लिनजिंग करने के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ सर्फेक्टेंट का रोल बहुत बड़ा होता है, सर्फेक्टेंट का यूज़ करना होता है, क्योंकि क्लिनजिंग के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट की कैटेगरीज होती है वो सर्फेक्टेंट होता है। तो इसमें भी 2 टाइप्स की कैटेगरीज हो गई, मस्ट यूज इंग्रेडिएंट और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। तो मस्ट यूज इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो सर्फेक्टेंट का यूज़ होना मस्ट है। तो पहला हो गया डिस्टिलवाटर, वही 60 से 80% तक अपन वाटर मिक्सड विद बोटनिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। सर्फेक्टेंट में 15 से 30% तक अपन यूज़ करते हैं जिसमें एल्काइल सल्फोनेट और कोकोबिटेंस होते हैं कॉमनली। एल्काइल सल्फोनेट अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरीज है, उसके बहुत सारे सर्फेक्टेंट हो सकते हैं, जैसे सोडियम लोरिल सल्फेट होता है, सोडियम लोरिल इथर सल्फेट होता है, इस टाइप के बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके बारे में अपन डिटेल में एक बार और नया वीडियो बना के आपको बताएंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि सर्फेक्टेंट की अभी मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी या कितनी ज़्यादा वास्ट वेराइटीज़ में अवेलेबल है। उसके बाद में आता है फोम स्टेबलाइजर, क्योंकि जब जितनी क्लिनजिंग की बात आती है तो उसमें फोम बनता है, लेकिन फोम कितनी देर तक स्टेबल रह पाते हैं तो उसके लिए फोम स्टेबलाइजर यूज़ करना होता है। 1 से 4% तक ADTA यूज़ होता है। थिकनर्स में 0.1 से लेके 5% तक जेंथम गम या किसी साल्टी अपन यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल इंग्रेडिएंट के लिए अपन ह्यूमेक्टेंट यूज़ करते हैं 1 से 5% तक, जिसमें ग्लिसरीन प्लांट ऑयल्स वो यूज़ कर सकते हैं। हेयर प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट में प्रोटीन्स यूज़ करते हैं जिसमें 1 से 5% तक रेशियो रहता है। फ्रेग्रेंस कोई भी यूज़ कर सकते हैं 0.1 से लेके 1% तक, प्रिजर्वेटिव 0.1 से लेके 1% तक यूज़ करते हैं। इसका मेथड होता है डिस्पर्स हाइड्रोफिलिक थिकनर्स इन वाटर अंडर इंटेंसिव स्टेरिंग अंटिल होमोजिनस जेल फॉर्म्ड। थिकनर्स को अपन क्या वाटर में डाल देते हैं, उसके बाद में इसको स्टेरिंग करते हैं और एक मतलब एक तरीके से जेल फॉर्म इसको बना लेते हैं, होमोजिनस जेल बना लेते हैं। देन ऐड द सर्फेक्टेंट, फिर धीरे धीरे उसमें सर्फेक्टेंट डालते हैं एंड अदर इंग्रेडिएंट एंड मिक्स स्लोली अंटिल द प्रोडक्ट बिकम होमोजिनस। सर्फेक्टेंट को धीरे धीरे डाल के उसको एक होमोजिनस सॉल्यूशन बना देते हैं। लेकिन यदि ऑयल सोल्यूबल कोई भी अपन इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, शुड बी एडेड बाई प्री मिक्सिंग विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट।
तो उसमें क्या करते हैं, उस ऑयल फेज को डाल के थोड़ा सा सर्फेक्टेंट डाल देंगे और उसको प्रॉपर जब डाल के वो पूरा मिक्स हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो अपने फेज बनाई थी पहले उसमें इसको वन बाई वन मिक्स कर देते हैं। उसके बाद में आता हेयर कंडीशनर। हेयर कंडीशनर भी अपने आप में सिंपल सी नाम से आपको पता लग रहा है, जब भी अपन कंडीशनर बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है उसमें कंडीशनिंग एजेंट होना मस्ट है, तो इसमें अपन कंडीशनिंग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो इसकी टू कैटेगरीज होगी, मस्ट यूज इंग्रेडिएंट और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट। मस्ट यूज इंग्रेडिएंट में डिस्टिल वाटर हो गया, जिसमें 60 से लेकर 80% तक होता है वाटर मिक्स्ड विद बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट। सेकेंड हो गया सर्फेक्टेंट, जिसमें 2 से लेकर 5% तक, जिसमें सल्फोसक्सिनेट एंड कोकोबिटेन होता है। कंडीशनिंग सर्फेक्टेंट में क्वार्ट्स, जिसमें 5 से लेकर 10% तक इसमें यूज़ करते हैं। पॉलीक्रोटिनिन 10 इसका मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट है जिसको एज ए कंडीशनिंग सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन यदि देखते हैं तो थिकनर्स है, थिकनर्स को अपन 0.1 से लेकर 5% तक यूज़ करते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जेंटम कम होता है। ऑप्शनल इंग्रेडिएंट चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल इंग्रेडिएंट, ऑप्शनल का मतलब होता है चाहो तो यूज़ करो, ना ही आपको रिक्वायरमेंट है तो ना यूज़ करोगे तो भी सेम कंडीशनर तो बनेगा। तो ऑप्शनल इंग्रेडिएंट में फर्टिलाइजर आता है, जिसको 1 से लेकर 3% तक ग्लाइकोल स्टीरेट IP यूज़ करते हैं। हेयर प्रोटेक्टिव में 1 से लेकर 8% तक प्रोटीन्स होता है। फ्रेग्रेंस 0.1 से लेकर 1% तक यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव 0.1 से लेकर 1% तक यूज़ करते हैं। मेथड्स कैसा है, किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, तो इसमें होता है कंबाइन वाटर एंड थिकनर्स इन ए ग्लास बीकर एंड मिक्स थ्रोली विथ ए हैंड मिक्सर टू मेक ए जेल लाइक सॉल्यूशन एंड देन द सर्फेक्टेंट एंड द अदर इंग्रेडिएंट मिक्स अगेन जेंटली अंटिल इट बिकम्स होमो। इमोलियंट्स का अपन डिस्कशन करेंगे, जितने भी अपने फॉर्मूले देखे थे अभी पीछे डिस्कशन हुए हैं उसमें इमोलियंट्स मैक्सिमम फार्मूले में यूज किया गया है। तो इमोलियंट्स का अपने आप में बहुत बहुत बड़ा योगदान है किसी भी इमल्सन को बनाने के लिए, और एक तरीके से ऑयल भी इमोलियंट्स ही होते हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसको बारीकी से समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इमोलियंट्स यूज इन कॉस्मेटिक्स, इमोलियंट्स इंक्लूड ए लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स विथ सॉफ्टनिंग थिकनिंग एंड स्मूथिंग प्रॉपर्टीज। टिपिकली दे आर नॉन कॉमेडिजेनिक, टेंडिंग टू कॉज ब्लैक हेड्स बाय ब्लॉकिंग द पोर्स ऑफ द स्किन, नॉन एलर्जेनिक एंड नॉन इरीटेटिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ इमोलियंट्स इंक्लूड्स ऑयल। अब यदि इमोलियंट्स की डिटेल में देखते हैं तो 3 कैटेगरीज की बताई गई है। फर्स्ट हो गया इसमें ऑयल, सेकंड फैट एंड बटर्स, और थर्ड वैक्सेस। तो ऑयल्स को अपन फिर 2 कैटेगरी में किया था, नेचुरल एंड सिंथेटिक, और फैट एंड बटर्स हो गया एंड वैक्सेस। वैक्सेस को फिर डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन आगे किया हुआ है। ईच ऑफर डिफरेंट एडिशनल प्रॉपर्टी ड्यू टू देयर डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी वेराइटी से पता लग रहा होगा कि इमोलियंट्स की बहुत बड़ी वेराइटीज़ है। तो क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है ऑयल, जिसको अपन नेचुरल हो गया, और नेचुरल को फिर 2 टाइप्स की कैटेगरी में बांटा गया, पहले सैचुरेटेड ऑयल और दूसरा अनसैचुरेटेड ऑयल। तो जो सैचुरेटेड ऑयल होता है, या सॉरी नेचुरल ऑयल होता है, उसको अपने किस तरीके से बनता है, ये ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स मिलके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और इस ट्राइग्लिसराइड को ही अपन ऑयल बोलते हैं। तो जो फैटी एसिड है उसके आधार पर ये पता लगता है कि वो सैचुरेटेड ऑयल है या अनसैचुरेटेड ऑयल है। यदि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड यूज किया गया है तो सैचुरेटेड ऑयल होगा, और यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो अनसैचुरेटेड ऑयल होगा। तो उसके आधार पर 2 कैटेगरीज बांटी गई है। तो फर्स्ट आता है सैचुरेटेड ऑयल, इसमें नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ऑयल विथ हाई डिग्री ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल यदि अपन देखते हैं तो लॉरिक, मायरिस्टिक एंड स्टीरिक एसिड। सैचुरेटेड ऑयल आर मोस्ट स्टेबल एंड डू नॉट बिकम रेंसिड एज क्विकली एज अनसैचुरेटेड ऑयल। दे आर नॉट एज इजिली एब्जॉर्ब बाय द स्किन एंड कैन बी हैव ए ग्रीसर फील ड्यूरिंग एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड पाम ऑयल। आपको इससे थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो ऑयल है सैचुरेटेड ऑयल वो मोस्ट स्टेबल होता है, बट सेकंड यदि इसे ड्रॉबैक देखते हैं तो ये नॉट एज इजीली एब्जॉर्ब बाय द स्किन। अपन जितने भी इमल्सन बना रहे हैं, लोशन बना रहे हैं, क्रीम बना रहे हैं, तो वो उसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि स्किन उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन इस सैचुरेटेड ऑयल में क्या होता है वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है एंड हैव ए ग्रीसर फील ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि यदि इमल्सन बनाने की बात करते हैं या किसी भी टाइप का प्रोडक्ट डेवलप करने की बात करते हैं, जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गया, इस टाइप के प्रोडक्ट, तो इसमें कोकोनट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड पाम ऑयल का यूज़ तो करते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में यूज होता है।
उसके बाद में आता है अनसेचुरेटेड ऑयल, इसे वन से लेके वन और मोर डबल अमाउंट्स होते हैं ऑयल विथ हाई डिग्री अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें ओलिक आर्किडियोनिक एंड लिनोइक एसिड होता है। अनसेचुरेटेड ऑयल आर स्मूदर मोर प्रिसाइज लेस ग्रीसी एंड बेटर अब्जॉर्ब बाय द स्किन, दे कैन बी कम रेंसिड क्विकर देन सेचुरेटेड ऑयल। ये इसका एक तरीके से डिसएडवांटेज है कि ये जल्दी से रेंसिड हो जाता है, बट यदि इसके फायदा देखते हैं तो ये बहुत स्मूथर होता है, मोर प्रिसाइज होता है, लॉस ग्रीसी होता है, बेटर एब्जॉर्ब बाय स्किन होता है। तो एग्जांपल इसके है कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल। आप देखना जितने फॉर्मुलेशन में देखोगे, इमल्सन में देखोगे, तो उसमें ज़्यादातर ये इस टाइप के ऑयल यूज किए जाते हैं। उसके बाद में आता है ऑयल सिंथेटिक्स ऑयल। सिंथेटिक ऑयल्स में क्या होता है, फैटी एसिड होता है और प्लस एल्कोहल होता है। इसमें क्या था, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इसमें दूसरे में क्या है, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल। तो एल्कोहल मिला के अपने ऑयल सिंथेटिक ऑयल बनाते हैं। तो फैटी एसिड, जो फैटी एसिड वही टू टाइप्स के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं, और एल्कोहल में ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल हेक्साइल, माइस्टिल एंड ओलाइल एल्कोहल, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एल्कोहल होते हैं। और तो फैटी एसिड प्लस एल्कोहल मिलकर सिंथेटिक ऑयल बनाते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक ऑयल ऑयल्स विथ वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज अवेलेबल। एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल, आइसोप्रोपाइल माइस्टेट IPM, आइसोप्रोपाइल पालमिटेट IPP एंड सिलिकॉन्स, डायमेथिकॉन एंड साइक्लोमेथिकॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैट एंड बटर्स। फैट आर सिमिलर टू ऑयल इन दैट दे आर आल्सो एस्टर्स कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैट हावियर आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नेचुरल बटर्स लाइक सिया बटर, अवोकाडो बटर्स एंड कोको बटर आर नॉट एक्चुअली बटर्स विच आर इमल्शन ऑफ वाटर एंड फैट्स, बट रेदर देन आर नेचुरल फैट्स। इन जनरल नेचुरल बटर्स आर एक्सेलेंट इमोलियंट्स एंड थिकनर्स, एंड डिपेंडेंट ऑन द टाइप मे हैव वेरियस एडिशनल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल सी एंड अवोकाडो बटर्स बोथ हैव एंटी ऑक्सीडेंट एंड सुदिंग प्रॉपर्टी टू देयर फिनोलिक कंपाउंड्स। फैट और बटर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जितने भी है ना, जैसे मान के चलो सिया बटर है, अवोकाडो बटर है, कोको बटर है, ये सारे एक तरीके से नेचुरल फैट्स होती है। लेकिन यदि नेचुरल फैट्स में अपन किसी टाइप का इमल्सीफायर डाल के एक इमल्सन बना दिया तो उसको एक तरीके से अपन बटर्स बोल देंगे। मतलब नेचुरल फैट जितनी भी है उसको इमल्सीफायर डाल के एक इमल्सन बना दिया तो उसको बोलते हैं अपन बटर्स। तो ये हो गया सिया बटर्स, अवोकाडो बटर्स, कोको बटर्स। अब इसमें जैसे इसकी सिया एंड अवोकाडो बटर्स की बात करते हैं तो ये नेचुरली बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट सुदिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो अपन ये कह सकते हैं सिया एंड अवोकाडो बटर्स का अपन ज़्यादातर जो लिपस्टिक बनती है उसमें अपन इसका यूज कर सकते हैं, या किसी भी टाइप के एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखने वाली क्रीम या लोशन बनाते हैं तो उसमें भी अपन इस टाइप के बटर्स या फैट एंड बटर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है वैक्सेस। वैक्सेस अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरीज है, इसके बारे में अपन डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल्स है जिसका मैंने एक पिक्चर यहाँ पे शो किया है, पिक्चर से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। उसके बाद में वैक्सेस, वैक्सेस को अपन थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो वैक्सेस फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड डेकोरेटिव कॉस्मेटिक्स। दे आर वेरी यूजफुल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन देयर वेरियस एडवांटेज प्रॉपर्टीज। वैक्सेस हैव प्रोटेक्टिंग, फिल्म फॉर्मिंग, इमोलियंट्स एंड थिकनिंग इफेक्ट्स। दे आर ऑल्सो वेरी रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। केमिकल वैक्सेस आर कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ हैवी हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड्स कम्बाइंड विथ एस्टर्स। तो वैक्सेस का यदि अपन बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और एस्टर्स होते हैं। ए फैट दैट इज क्लोज रिलेटिव ऑफ वैक्सेस। वैक्सेस आर हार्डर, लेस ग्रीसी एंड मोर ब्रिटल देन फैट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सेस एंड एग्जाम्पल। तो इसमें चार टाइप की क्लासिफिकेशन है, पहला एनिमल वैक्सेस, सेकंड प्लांट वैक्सेस, थर्ड मिनरल वैक्सेस और फोर्थ सिंथेटिक वैक्सेस। वैक्सेस यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। वैक्सेस फॉर्म एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड डेकोरेटिव कॉस्मेटिक्स। दे आर वेरी यूजफुल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट बेस्ड ऑन देयर वेरियस एडवांटेज प्रॉपर्टीज। Waxes have protecting, film forming, emollients and thickening effect. They are also very resistant to moisture oxidation and microbial degradation.
केमिकली वैक्सेस आर कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ हैवी हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड कम्बाइंड विथ एस्टर्स। वैक्सेस को यदि अपन ब्रीफली करते हैं तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, फैटी एसिड्स और एस्टर्स होते हैं। ए फैट दैट इज क्लोज रिलेटिव ऑफ वैक्सेस, फैट को अपन क्लोज रिलेटिव कह सकते हैं वैक्सेस के। वैक्सेस आर हार्डर, लेस ग्रेसी एंड मोर ब्रिटल देन फैट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्स एंड एग्जाम्पल्स, चार तरीके के वैक्सेस है। पहला एनिमल वैक्सेस, प्लांट वैक्सेस, मिनरल वैक्सेस और सिंथेटिक वैक्सेस। जो एनिमल वैक्सेस है उसके तीन कैटेगरीज है, बीज वैक्स, लेनोनिन, स्पर्मेसिटी। प्लांट वैक्सेस में कार्नोबा, कैंडिला और जोजुबा वैक्स। मिनरल वैक्सेस की बात करते हैं तो ओजोकेराइट, पैराफिन वैक्स, माइक्रोक्रिस्टलाइन, सेरेसिन, पेट्रोलेटम, पेट्रोलेटम को अपन वैसलिन भी बोलते हैं। और फॉर द सिंथेटिक वैक्सेस जिसमें पॉलीथाइलिन, कार्बोवैक्सेस, एक्रावैक्सेस और स्टीरियन। डिफरेंट मैंने पिक्चर्स यहाँ पे शो की है जिसमें आप थोड़ा सा ब्रीफली आपने कुछ ना कुछ वैक्सेस को आपने देखा होगा, जैसे बीज वैक्स कॉमनली यूज किया जाता है, वो इस टाइप की कैटेगरी होता है, येलो कलर का होता है, हार्ड होता है। ऐसे लेलोनिन होता है जो सॉफ्ट थोड़ा दिखेगा, फिर कार्नोबा वैक्स होता है, कैंडिला वैक्स होता है, जजोबा है, और जो क्राइट है, पैराफिन वैक्स है, माइक्रोक्रिस्टलाइन है, सेरेसिन है, पेट्रोलेटम वैसलिन है, पॉलीथाइलिन है, कार्बोवैक्सेस है, एक्रावैक्सेस है और स्टीरियन है। ये अलग अलग तरीके के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टू नो, ये आपको जानना जरूरी है, पेट्रोलेटम वैसलिन हैज़ ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, 35 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट वर्क्स एज एन एक्सलेंट इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट्स इन फॉर्मुलेशंस। यूजफुल वैक्सेस इन लिपस्टिक, कैनडिला वैक्स एड एज ए नाइस ग्लोज टू द स्टिक, कार्नोबा वैक्स कैन हेल्प प्रिवेंट मेल्टिंग, माइक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स प्रिवेंट स्वेटिंग। स्पर्मेसिटी इज नो लॉन्गर यूज इन कॉस्मेटिक आफ्टर द बैन ऑन स्पर्म ऑफ वेल। स्पर्मेसिटी जो अपना वैक्स था वो एक तरीके से एनिमल वैक्सेस है और ये ब्लू वेल के स्पर्म से बनता है। आजकल उस पर बैन कर दिया गया और इसकी जगह अल्टरनेट दूसरे वैक्सेस यूज कर रहे हैं, उसको मैं आगे बताता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट टू नो, जोजुबा वैक्स आल्सो कॉल्ड जोजुबा ऑयल, दिस ऑयल हाइड्रोजनेटेड टू मैक्स हार्ड। जोजुबा वैक्स आल्सो यूज एज एन एंटी रिंकल एजेंट बिकॉज इट पेनेट्रेट इन टू द स्किन रेदर देन फॉर्मिंग ए फिल्म ऑन इट। यदि अपन किसी भी टाइप के एंटी रिंकल प्रोडक्ट बनाने के प्लान कर रहे हैं, सपोज डेट की कोई एंटी रिंकल क्रीम बना रहे हैं, एंटी रिंकल लोशन बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो वैक्स यूज कर रहे हैं, जैसे बीज वैक्स अपन कॉमनली यूज करते हैं या पैराफिन वैक्स यूज करते हैं, तो उसकी जगह अपन को जोजुबा वैक्स यूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, स्किन को पेनेट्रेट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है इसकी, तो इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इसको एंटी रिंकल एजेंट भी बोल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है डिफरेंट वैक्सेस का, जैसे बीज वैक्स का 62 से 64 डिग्री सेल्सियस होता है, कार्नोबा वैक्स 82 डिग्री सेल्सियस होता है। ये अपन कार्नोबा वैक्स है ना, जैसे अभी यहाँ पे बताया कि ये अपन लिपस्टिक में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ईजिली मेल्टिंग नहीं हो। यदि टेम्परेचर जहाँ पे नॉर्मली अपन कहते हैं किसी किसी स्टेट में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 40 डिग्री, 45 47 तक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी कई बार जाता है, तो वहाँ पे वो मेल्ट नहीं हो जाए। तो अपन जब लिपस्टिक का प्लान करते हैं ना, तो उसमें अपन लिपस्टिक में कार्नोबा वैक्स का कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कैंडिला वैक्स वो 68.5 से लेकर 72.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और जुक्राइट वैक्स 58 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, सेरेसिन का 61 से 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इम्पोर्टेंट टू नो, नेक्स्ट, सिया बटर इज टेक्निकली ए नेचुरल फैट, नॉट ए नेचुरल बटर। व्हेन कंपेयर्ड टू सिंथेटिक ऑयल, नेचुरल ऑयल हैव द डिसएडवांटेज, दे आर आल्सो मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड इनटू इमल्शन, आर इनसोल्युबल इन अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर कैस्टर ऑयल, एंड रिक्वायर्ड एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन ई और सी टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। सिंथेटिक वैक्सेस डू नॉट फॉर्म ए केमिकल एंटिटी बट आर मोर द रिजल्ट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि जैसे अपन कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो इसमें कि नेचुरल है कि सिंथेटिक है, या सिंथेटिक है तो ये हार्मफुल होगा, ऐसा होगा, तो इस टाइप का नहीं है। इसमें बहुत अच्छी बात कही है, सिंथेटिक वैक्सेस डू नॉट फॉर्म ए केमिकल एंटिटी बट आर मोर द रिजल्ट ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। बहुत बार अपने बार बार रिसर्च करने के बाद में अपन एक सिंथेटिक वैक्स का डेवलप कर पाए तो वो हार्मफुल नहीं होता है। जैसे सिंपल सी बात है, आगे मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, बीज वैक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ऑक्टोसेनाइल एंड हाइड्रोक्सी स्टीरॉइड, व्हिच हैज वेरी सिमिलर प्रॉपर्टी टू बीज वैक्स बट इज ए बेटर इमल्सिफायर।
मतलब उसके बीजवैक्स को अपन ने रिप्लेस किया है अभी हाइड्रोक्सी ऑक्टोसेनाइल एंड हाइड्रोक्सी स्टेरेट, वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी रखता है इमल्सीफायर की, मतलब थिकनर या एक तरीके से बेस इंग्रेडिएंट के साथ साथ में बहुत बेटर इमल्सीफायर भी होता है। तो एक तरीके से सिंथेटिक वैक्सेस बेटर होते हैं, उसका हार्मफुल नहीं मानते, वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही अपन ने डेवलप किया है। उसके बाद अनदर एग्जांपल इज स्पर्मेसिटी इज एनिमल वैक्स ओरिजिनली ऑब्टेंड फ्रॉम वेल्स स्पर्म विच इज नाउ रिप्लेस्ड बाय सिटाइल पालमिटेट एंड सिटाइल एस्टर वैक्सेस। ये बहुत अच्छा एक तरीके से वैक्सेस था, बट इसके गवर्नमेंट ने बैन करने के बाद में, ब्लू वेल के स्पर्म को बैन करने के बाद में इसका एक अल्टरनेट निकाला, सेम प्रॉपर्टी उससे रखता है या उससे बेटर प्रॉपर्टी रखता है, वो सिटाइल पालमिटेट आजकल बहुत कॉमनली बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एज ए वैक्सीन में यूज किया जा रहा है, सिटाइल पालमिटेट और सिटाइल एस्टर वैक्स। इमल्सिफाइंग वैक्सेस आर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ सिंथेटिक वैक्सेस दैट आर यूज्ड प्राइमरली एज ए इमल्सिफायर एंड नॉट एज ए एमोलिएंट्स। थैंक यू सो मच। आज के इस वीडियो में हमने इमल्सन के बारे में ब्रीफली स्टडी की, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक कवर किया, जैसे मैकेनिकल फोर्स, होमोजेनाइजर, इमल्सिफायर, HLV स्केल, एक्सीपिएंट्स, डिफरेंट टाइप के एक्सीपिएंट्स, डिफरेंट टाइप के इमल्सन, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन, वाटर इन सिलिकॉन इमल्सन, एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मूलाज, एंड लास्ट इमोलियंट्स, डिफरेंट टाइप के इमोलियंट्स, ऑयल, फैट एंड बटर वैक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।